ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ आयुदंत। बैद्यनाथ आयुदंत, जैसे बॉल बिना क्रिकेट अधूरी, वैसे ही आयुदंत बिना स्माइल अधूरी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए। इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने केवल 17 इनिंग्स में यह रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में मोहम्मद शमी अमरोहा स्थित अपने गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और विश्व कप के फाइनल मैच में भारत की हार पर अपना रिएक्शन दिया। यार, ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे उस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो वो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था। मेरे हिसाब से कुछ एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े रन कम रहे, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो हमें डाउन करे, या मॉरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। देखिए, हमेशा आप लोगों ने देखा ही है कि जब शाम को बैटिंग होती है, डे नाइट मैच में जब सेकंड इनिंग आती है, तो बैटिंग के लिए और बेटर हो जाता है विकेट, तो वो एक फैक्टर हो जाता है। और विकेट थोड़ी स्लो भी हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलती, तो वो एक रीज़न रहा। मोहम्मद शमी से जब फाइनल मैच के टर्निंग पॉइंट पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कम स्कोर पर अपनी राय रखी। क्या रोहित शर्मा की वो कैच या विराट का वो आउट होना, अचानक बैट से बॉल लग के, क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? या फिर जो अंपायर्स कॉल एक हुआ था, ट्रेविस हेड और लाबुशानी की जोड़ी वहाँ टूट जाती है। देखिए, एक ही चीज थी, क्योंकि रन हमारे पास उतने ज्यादा नहीं थे कि हम, अगर काश हमारे पास 300 रन होते तो हम इजीली डिफेंड कर पाते। लेकिन एक चीज पे ब्लेम करके मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा रहता है, क्योंकि ओवरऑल टीम को देखा जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वो बहुत जरूरी होता है एज ए यूनिट वर्क करना और एज ए ग्रुप वर्क करना। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, शायद थोड़े से रन कम थे। मोहम्मद शमी के अमरोहा स्थित गांव साहसपुर अली नगर में योगी सरकार ने मिनी स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। इस पर शमी ने क्या कहा, सुनिए। उसके लिए सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा सरकार का भी, और जिसने भी ये स्टेप लिए हैं सबने मिलकर, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि बहुत जरूरी है। अपने यहाँ टैलेंट बहुत है और बहुत बच्चों को ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं, लोगों को जागरूक करें। तो ये चीज़ टैलेंट के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी थी कि हमारे यहाँ पे एक अच्छा स्पोर्ट्स एकेडमी हो, स्टेडियम हो, जहाँ पे लोग अपने स्किल को जानें, लोग उसको, कुछ कोचिज उन लोगों को सिखाएं, कुछ बेटर करें, वो बहुत ज़रूरी था। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ के यंग टैलेंट के लिए। मीडिया से बातचीत के दौरान मोहम्मद शमी ने फाइनल मैच में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है। और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसा इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। मीडिया से बातचीत के दौरान शमी ने वर्ल्ड कप फाइनल में वीआईपी मूवमेंट का किसी तरह दबाव होने के बारे में क्या कहा, सुनिए। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। हम कभी ये सोचते नहीं मूवमेंट किसका है या फिर क्या होता है, और ज़्यादा ओवर थिंक हम करते नहीं है मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था, सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूंगा कि एक बैड डे हो सकता है। मोहम्मद शमी के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।